नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स और मैं हूं संदीप यादव। पाकिस्तान चुनाव के नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि वह देश के लिए किए गए सारे वादे निभाएंगे। वहीं कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि कश्मीर मुद्दा काफी समय से चल रहा है, हमें कश्मीर मसला बैठकर सुलझाना होगा। अगर भारत का नेतृत्व तैयार है तो फिर हम बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन पाकिस्तानियों में से एक हूं जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। अगर हम गरीबी मुक्त उपमहाद्वीप चाहते हैं तो रिश्तों को बेहतर करना होगा। इमरान खान ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि मेरी 22 साल की मेहनत रंग लाई है, पाकिस्तान की जनता ने अब सेवा का मौका दिया है। इस चुनाव में लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं, जिसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी आतंकी हमलों से नहीं डरी, इंसानियत का पाकिस्तान बनाना चाहता हूं। वहीं कमजोरों को ऊपर उठाने का भी काम करूंगा।